मैडम देखिए मैडम आप आई हैं इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं आप काफी हमको ताकत मिला इसलिए पर सर समय सीमा है ना। हाँ ठीक है सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं न करेंगे। उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है, इतिहास है हमारा। तो महोदय इसमें हम अन्ना जी के द्वारा उठाए गए सवाल पर हमारा दल हम लोग खड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का कानून बना दीजिए। महिला एट्रोसिटी, कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कितना मर्डर खून देश में हो रहा है, कानून तो बना हुआ और पैसा जितना कानून आप बनाइएगा तो हम आपसे रुपया लिया, हम पोस्ट ऑफिस में आ घर पर आ नहीं रखेंगे, आप इनकम टैक्स में खबर नहीं करेंगे, दे आएंगे कोई पूंजीपति को रखे रहना, जरूरत होगा तो देना, आ जब जरूरत होगा तो लगा आपका पैसा हमारे यहाँ कहाँ है, ठेंगा दिखा देगा। तो ये जो कानून बन रहा है बने ठीक है, बढ़िया से ठोक ठेठा के बनावे, लेकिन इसमें जो कैंडल जलाने जा रहा है लोग वो फिराक में है कि अब पैसा ये लोग कोई लेगा तो हमारे यहाँ जमा करेगा, हम मालूमाल जानिए पैसा सदी में आ सब खेला है एनजीओ का, सब खेला है एनजीओ का। आज आप बोल दीजिए कि एनजीओ इसमें नहीं रहेगा, कल से खत्म हो जाएगा। सरकार का जो बिल आया है पूरा थोरो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, पढ़ेंगे, उसमें एनजीओ को इन्होंने रखा है, आ 100 करोड़ जन लोकपाल बिल है उसमें एनजीओ ये जानना न चाहिए। हम उस दिन भी कहा था कि सब भाई सब माननीय सदस्य को माइनोरिटी पढ़ लीजिए और सब अध्ययन कर लीजिए। अब बताइए सोशल जस्टिस मायावती से लेके मुलायम सिंह यादव से लेके शरद यादव जी से लेके सब लोग, गोपीनाथ मुंडे ये मामूली आदमी हैं, इनके पिताजी मजदूर कटर काटने वाला लोहा काटने वाला मजदूर, ये इंसान वहां गए वहां पर रामलीला मैदान में, क्या बोला वहां, क्या बोला वो किरण बेदी ने, ये सब चोर हैं, घेर लो मत कर ले दो। वो दिन जब खबर किया वहां ऑल पार्टी मीटिंग का कि केजरीवाल ने क्या खबर किया, साथियों पुलिस अफसर हमको फोन किया है कि 4 बजे भोर में अन्ना जी को उठा लिया जाएगा। अन्ना जी उठ गए, उनको कह दिया, वो बोले कि सुनो हिंसा मत करना, तुम लोग हमको घेर लेना और सवेरे से 100 MP के घर को घेर लेना। ये मीडिया के लोगों को कहना चाहिए था ना, दूसरे दिन पूछना चाहिए था ना, हे केजरीवाल तुम किस आधार पर मिसलीड किया देश को, आग लग जाती और किसी का बच्चा जला दिया जाता, आप वहां मम हो जाते हैं। और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है, देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है, देश और राज चलता है तो रोग से चलता है, वही अन्याय नहीं करना चाहिए। और इन चीजों को पढ़िए, ये सुप्रीम कोर्ट मीडिया के जो लोग हैं, सभी मीडिया नहीं, सभी प्रिंट मीडिया नहीं, ये रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर तो कुछ दिन में ही लोग अपना लिखना पढ़ना रिपोर्टिंग करना भूल जाएगा, जो इनका मालिक है जो डिक्टेट करता है क्या करेंगे लड़के और युवा वही सर। एनजीओ को लाइए, अब 72 चर्चा के बाद फिर चर्चा, और आज के चर्चा में मेरा सुझाव है सुब्रमेसी ऑफ पार्लियामेंट को हम और संविधान को 1 इंच भी हिलने डोलने नहीं देना चाहते। मुझे खुशी है कि सभी दल के लोगों ने आज सबको हम लोग को चेतना आई है कि नहीं हम एक हैं, हम एक होकर के जो सवाल है वो अलग है, लेकिन इस मंदिर को हम ढहने नहीं देंगे, चाहे कोई भी ताकत होगा या कोई भी बात होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
और आज के प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लीडर बोले हैं, ये पूरी प्रोसीडिंग को आप स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जिनको आना है वोटिंग किस बात का, इस चीज का वोटिंग होगा, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। और राष्ट्रीय सहमति यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आज इंडियन एक्सप्रेस में सुना है, छपा है, एक सालवे जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ एडवोकेट है सालवे जी का, कई एक दिन से छप रहा है कि क्या हो रहा है हरीश सालवे का, इस देश में क्या सुपर पावर, जजों के ऊपर ये लोकपाल कौन है, प्रतीक्षा में बैठा हुआ लोकपाल किसके लिए फिक्स हो रहा है लोकपाल की बात, अब कौन बनेगा, कौन बनेगा हमारे ऊपर। पार्लियामेंट के मेंबर को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मेंबर को ला उसमें, हम तो जो अभी है मेंबर हम लोग हैं, रिटायर्ड एमपी को भी लाया जा रहा है, रिटायर्ड एमपी जो बुढ़ा बेचारा बुजुर्ग हो गया और गांव में है, पेंशन पर जी रहा होगा, नून रोटी चल रहा होगा, ये आपके सरकारी बिल में है, इसको गलत, ये गलत। आप आज का चर्चा भी संविधान के खिलाफ है, लेकिन अब हो गया, रिलैक्स कर लिया, आप लोग को पावर है रिलैक्स करने का, तो आप कर लिया तो कर लिया, तो हम लोग भी बोल लिया, लेकिन आगे से फर्दर फिर इस तरह का गलती मत करिएगा, मत करिएगा, न तो आने वाला इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा कि जो बाहर से कोई बोले आ उसके डिक्टेशन पर गला में गला लगा के आ जाके उस उलझन में देश को फंसा के और नाश करके, तो इस संसद की कोई जरूरत नहीं है, यही मैं बोलते रहा हूँ। अच्छा बताइए कौन ओमपुरी है, कहा सब गंवार आ रहा है, सुना कि कौन सब फिल्मी कलाकार सब क्या सब हम लोग को पढ़ा रहा, हम लोग को देश को पढ़ा रहा फिल्मी कलाकार, हाँ नहीं नहीं ये कलाकार सब कौन, विशाखा पिचा साहब कौन कौन कलाकार सब है बंबई में बैठा हुआ, बंबई में आज भी ये सब क्या बना के रखा है। और छोड़िए ना मनोज तिवारी को, तो फिर अपना पार्टी में रखा था, मोबाइल पार्टी में, इसलिए फिर देखिए बात सुना ना भाई, ये कुछ भी आप किया कोई भी चीज आप लोग बोले, हम लोग देखिए अन्ना जी का आंसर नहीं तोड़ने देगा सब, अन्ना जी के जीवन पर वो सब खतरा पैदा करेगा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए बढ़िया से, वो अन्ना जी को सही बात नहीं बुला रहा है सब, इसी झाका झक में उस महान नेता को सीधा सपाटा नेता को ये सब मार देगा, असारा फिक्स कर देगा, पार्लियामेंट पर सरकार पर फिक्स कर देगा, इसलिए उससे क्यों डरते हैं, रिकॉर्ड में केवल लालू जी का जाएगा, लाख हम लोग एकता दिखा रहे हैं, वो लोग नहीं मानेंगे, नहीं होने देगा वो सब, उसमें सब एनजीओ का है, एनजीओ इसमें आया हुआ है ये सरकारी बिल में, और इसमें कॉर्पोरेट हाउस से लेके पेट मीडिया सारा चलो पूरा सारा देश का, और हम तो ये कहते हैं ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये नारा लगाते थे, क्या नारा लगाते थे कि सारे देश के प्रॉपर्टी जिसका भी हो, खेत हो, लैंड हो, फार्म हो, अपार्टमेंट हो, लाल धन हो, पीला धन हो, काला धन हो, आज कहीं ने बोल रहे हैं, हम तो कहा थाना जी को कि सारे संपत्तियों को चाहे जिसका भी है सबको टेप भर करके नेशनलाइज करो और रिडिस्ट्रीब्यूट करो, सारा आदमी पकड़ा जाएगा इसमें ज्यादा, लेकिन आप लोग चुप हो जाते हैं, अपना नारा छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दिया, कोई उपाय नहीं है, कोई भी अगर गलती किया है पूछा जाके तुम ही कहां से लाया।